हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज फिर एक और नेक्सॉन ईवी आई है हमारे साथ चैनल के ऊपर। तो इसका जो है हम आज ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। नेक्सॉन ईवी XG प्लस वेरिएंट है, आप देख लीजिए। ग्रीन नंबर प्लेट, ईवी ब्लू कलर के जो साइड सेट्स है, कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है। अलॉय व्हील वगैरह इसका डिटेल में मैंने रिव्यू दिया हुआ है, एक एक चीज़ें बताई हुई है, वॉकराउंड वगैरह किया हुआ है, आप देख लीजिए पीछे से भी। तो आज जो है ओनर से हम जानेंगे, ये रिसेंटली जो है परचेज करके लेके आएंगे, तो ओनर से जानेंगे कि इसके बारे में क्या इनका रिव्यू है। और इस टाइम पर मैक्स भी आ रही है तो उसका क्या विचार है, वो क्यों नहीं ली। साथ में जिस जगह पर ये गाड़ी आई है ना, वहाँ पे कोई चार्जिंग स्टेशन वगैरह या कुछ भी नहीं है आसपास। 100-150 किलोमीटर तक कोई चार्जिंग वगैरह के कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी ओनर जो है गाड़ी को लेके आए, तो उनसे जानेंगे। तो एक बार जो है नितेश भाई साहब आ जाइए चैनल के ऊपर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सर, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका शुभ नाम, पूरा नाम बताओ पहले। मेरा नाम नितेश कुमार है। नितेश, नितेश भाई साहब करते क्या हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हो। तो एक बात बताओ, इसकी क्या चुल मची आपको नेक्सॉन ईवी की? नेक्सॉन ईवी की जैसे मेन तो ओरिजिन इसका पेट्रोल का दाम। अच्छा, पेट्रोल के प्राइस। हाँ, पेट्रोल के प्राइस हो गए। एक अभी फिलहाल में कोई गाड़ी लेनी भी थी। अच्छा, कोई पेट्रोल या जो भी हो। हाँ, उसके बाद में मैंने जैसे ईवी के बारे में सुना थोड़ा बहुत इधर उधर, फिर उसके बाद में हम कोई ईवी लेकर एक बार कोई शिमला विजिट टूर भी विजिट करके आए, तब मैंने चला के भी देखी इसको। अच्छा, किसी और की भी या फ्रेंड की भी? हाँ, फ्रेंड की जो भी हो। हाँ, ठीक है। तो उसमें मेरे को जैसे मैंने खुद ड्राइव की, उसमें बहुत बेनिफिट मिला मेरे को, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और रेंज वगैरह और ठीक मिली मेरे जैसे मेरे रूटीन के हिसाब से मेरे को बेस्ट लगी थोड़ी सी। अच्छा, उसके बारे में मैंने विजिट करा, इसको विजिट कराना मेरे पास आ गई है। अच्छा, तो कब ली थी ये? मैंने 1 जुलाई को परचेज की थी। 1 जुलाई को और आज हम वीडियो बना रहे हैं 13 अगस्त को। 13 अगस्त को ये वीडियो बना रहे हैं, तो 1.5 महीने के आसपास इन्होंने ड्राइव कर लिया। तो अभी तक कितना ड्राइव किया आपने इसको? मैंने इसको चला दिया 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर 1.5 महीने में। तो 1.5 महीने में 2500 किलोमीटर चला लिया। तो सबसे पहले ये बताइए, आपने बुकिंग करवाने के बाद में आपको कितने दिन में ये गाड़ी मिल गई थी? नहीं, मैंने बुकिंग वैसा तो कोई कुछ कराया नहीं, जैसे यहाँ पे कोई नया डीलर बना था अपने अच्छा पास में, तो उसको जैसे भी बोला, उनको भी मेरे को गाड़ी चाहिए, उनको उन्होंने बोला कि आ जाओ आप हमारे पास बात कर लें। अच्छा। उन्होंने जैसे 10-1 दिन का बोला था भाई, 10 दिन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा। तो हमने जाके उनको पैसे वगैरह कंफर्म कर दिया और गाड़ी मिल गई। अच्छा, गाड़ी मिल गई। तो कितने की पड़ी थी ये अपने यहाँ पे ऑन रोड? ये मेरे को 17 लाख की पड़ी थी। 17 लाख की सब्सिडी वगैरह इसके अंदर? नहीं, सब्सिडी का कोई नहीं है इसमें। तो अपने राजस्थान में कोई सब्सिडी नहीं है ईवी के ऊपर? तो यार, ये तो कम से कम गवर्नमेंट को सुनना चाहिए थोड़ी सी कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आज का टाइम ट्रेंड जैसे है। वहाँ पे MP वगैरह में, दिल्ली वगैरह वहाँ पे काफ़ी है, जैसे MP में इसकी 1.5 लाख है प्लस सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी 1.5 लाख के आसपास। हाँ, सब्सिडी है। सब्सिडी मिल जाता तो मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता इसमें। तो करना चाहिए। तो आप दिल्ली वगैरह के नंबर नहीं ले सकते थे? दिल्ली का बदले लेकिन चाहिए मेरे को यहाँ पे ना, फिर वो दिल्ली वाला फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो राजस्थान गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। नए तो CNG वगैरह के कहीं पे स्टेशन है, नए इलेक्ट्रिकल पे सब्सिडी है। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपने जब इलेक्ट्रिकल का सोचा तो हमारे आसपास में कोई भी इलेक्ट्रिकल का चार्जिंग स्टेशन वगैरह नहीं है, नहीं। तो आपको थोड़ा सा मन में डर नहीं लगा 17 लाख रुपए लगा रहे हैं? नहीं, मेरे को जैसे मेरे को यहाँ पे डेली रूटीन मेरा 30-60 किलोमीटर है। अच्छा, 60 किलोमीटर जैसे आने जाने में, तो मैं यहाँ से जैसे बिजनेस करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ लगभग 3 दिनों में ये चार्ज करता हूँ। 3 दिन तो नाइट को लगा के छोड़ता हूँ, सुबह देखता हूँ फुल मिलती है मेरे को। तो ऐसा नहीं सोचा कि कभी इमरजेंसी में अगर कहीं जाना पड़ गया आपकी गाड़ी की? तो जैसे इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो जैसे अपने 200 किलोमीटर पे तो इसका है ही है, लेकिन इसकी एवरेज है 250 प्लस है। जैसे अपने रफ टफ चलाए ना तो 250 प्लस एवरेज मिलती है, 250 की एवरेज निकाल देते। जैसे अपने नियर बाई की बात करें तो इसका चार्जिंग स्टेशन अभी सिरसा में लगा हुआ है इसका। अच्छा, सिरसा में लगा हुआ है। तो सिरसा 100-150 किलोमीटर है? ये सिरसा 200 किलोमीटर है? नहीं, 200 नहीं है सिरसा, यहाँ से है ये 90-100 किलोमीटर के आस।
अच्छा 90, हाँ ठीक है 90 किलोमीटर, तो 90-100 किलोमीटर पे इनका रेंज है। फिर भी आपको मतलब अचानक इमरजेंसी वगैरह के लिए कोई मन में डर नहीं है, कोई वो नहीं है? नहीं कोई इमरजेंसी, जैसे 200 किलोमीटर के बाहर जाना हो तो उसके लिए थोड़ा सा वो देखना तो पड़ता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि जरूरत पड़ी है 200 किलोमीटर की। तो आप एक बार, तो आपने बोला कि शिमला गए थे आप, तो शिमला गए थे दूसरी गाड़ी लेके, उसमें कहीं दिक्कत वगैरह नहीं है आपको चार्जिंग वगैरह की, या फिर नहीं? नहीं कोई ऐसा डर नहीं हो यार बैटरी तो खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है कहीं? नहीं वहाँ पे जैसे हमने शिमला गए तो उसमें जैसे फास्ट चार्जर थे ना वो, हाँ वहाँ पे 2-3 इग्नोर करके फिर आगे चार्ज किया था हमने। अच्छा ऐसा है, तो मतलब वहाँ पे बढ़िया फैसिलिटी वगैरह है? बढ़िया थी वहाँ पे, जैसे उनका कोई वैसे इशू नहीं है फास्ट चार्जर में कोई परमानेंट है, जैसे पेट्रोल पंप पे होता है ना जैसे कोई परमानेंट बंदा चाहिए जैसे और चाहिए इसके ऑनलाइन पेमेंट करो और रातों रात जैसे अपने गन लगाइए अपने आप खुद ही करना होता है सब कुछ। कितना मतलब चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग से आपने जैसे किया तो कितना चार्ज वगैरह वहाँ पे लेते हैं फास्ट चार्जिंग में? ये अप्रोक्सली इसका 3 गुना होता है, जैसे अपने घर पे करते हैं तो लगभग इसका हो गया 200-250 के बीच में, जैसे 30 किलोवाट की बैटरी है जैसे अपने यूनिट है जो उसका कैलकुलेशन करके 250 के करीबन होता है, उसका 3 गुना फास्ट चार्जर में लगता है। थोड़ी सी धूप ज़्यादा है, हम अंदर ही चलते हैं। तो देखिए गाड़ी का इंटीरियर कुछ ऐसा है, आपको दिखा देते हैं एक बार, कुछ ऐसा इंटीरियर है और पीछे का भी व्यू दिखा देते हैं। अच्छा एक बार बताओ इसका, जैसे हमने एंट्री की, कंफर्टेबल कैसा है इसका गाड़ी का? कंफर्टेबल मैंने आज तक कोई गाड़ियों में बैठ के देखा ना, इसका कंफर्ट किसी गाड़ी में नहीं मिलता मेरे को। अच्छा सबसे अच्छा कंफर्ट है, सबसे बेस्ट लगा इसे। अच्छा चलो, जैसे कोई जैसे नेक्सॉन में अभी जैसे ये अभी में ट्रेंड में है नेक्सॉन, तो जैसे कोई नया बंदा इसमें बैठता है ना वो सबसे पहले यही बात कहता है कि यार इसकी सीटें बहुत मस्त है। अच्छा चलो बड़ी। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने गाड़ी परचेज की आपको कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ चीज़ ऐसी? डिस्काउंट तो वो थोड़ी सी बार्गेनिंग करके मैंने थोड़ा बहुत करवाया था। अच्छा कितना पड़ गया था ये? मेरे को अप्रोक्सली 30,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था उसमें। डिस्काउंट मिल गया। अच्छा एक और यार, टाटा का डीलरशिप, आपको टाटा पे विश्वास कैसे हो गया? मैंने सुना है टाटा की आजकल गाड़ियों में बड़ी दिक्कत आती है या फिर टाटा की सर्विस वगैरह ख़राब है, ऐसा नहीं सुना था आपने भी? नहीं सर्विस का, इसका कोई सर्विस का मेन इश्यू भी नहीं है ना। अच्छा इलेक्ट्रिकल है? इलेक्ट्रिक है, वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसका। अच्छा वैसे करके, वैसे भी ये लोकल वोकल है इसलिए। अच्छा ऐसे भी चीज़ें। हाँ। अच्छा इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मेरे पास जैसे मेरा ब्रदर है उनके पास थी वो अल्टो थी, अल्टो से सीधा ही मैं इस पे। अच्छा इस पे आए। और पेट्रोल डीजल में कोई गाड़ी देखी या फिर इलेक्ट्रिकल के वही प्लान बनाया सीधा? नहीं देखने वाला था मैं, जैसे ब्रिजा गाड़ी देखने वाला था, देखी भी थी मैंने, और क्रेटा के ही मन में था, एक वेन्यू गाड़ी थी वो भी मन में था, लेकिन वो एक इसका साइलेंट वाला फीचर है ना वो बहुत बहुत सुपर जबरदस्त लगा मेरे को, साइलेंट है। अच्छा इसमें आपने जब ली थी गाड़ी उस समय तक मैक्स भी आ गई थी, तो वो देखी थी आपने? मैक्स देखी थी मैंने, मैक्स में जैसे ये है कि एक तो बैक रियर की जो सीट है उसका कंफर्ट अच्छा नहीं लगा। अच्छा अच्छा नहीं लगा। और एक इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है वो भी मैक्स में कम मिलता है। अच्छा थोड़ा सा वो बैटरी बड़ी होने की वजह से, वो बैटरी भी बड़ी है लेकिन उसका वो प्राइस का भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो मेरे जो भी है रेंज में होगा। अच्छा तो ये देखिए ये गाड़ी जो है 3583 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, कुछ ऐसा इसका वो है। अच्छा लॉन्ग ट्रिप पे गए हो ये गाड़ी लेके अभी तक? अभी तो जैसे मैं 200 किलोमीटर जाके आया था, उससे ज़्यादा तो नहीं किया मैं। तो कैसा है इसका मतलब रोड प्रेजेंस वगैरह, इसकी स्टेबिलिटी वगैरह? बहुत शानदार है इसका। और कहीं 200 किलोमीटर पे आप गए हो, चार्जिंग वगैरह का कहीं इशू? मैंने बताया ना चार्जिंग, जैसे मैंने यहाँ से गया था, मैंने कोई रिलेटिव थे वहाँ पे जाके आया था, मैंने जैसे थोड़ा सा लेट हो गया था, सिरसा में की थी मैंने वहाँ पे की, और वहाँ से जो रिलेटिव है उनको मिलके सुबह वापस स्टे किया था मैंने। अच्छा और अभी जैसे हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी, इतना पानी था, आपको कहीं डर नहीं लगा पानी के अंदर से आपने गाड़ी चलाई होगी बैटरी खराब हो जाएगी? पानी जैसे अपने ये खिड़की है ना जैसे कहाँ तक मैं बताऊँ मैं, हाँ ये यहाँ नीचे यहाँ तक पानी आ गया था इसमें, जैसे अंदर तो नहीं है इसमें, लेकिन मैंने इतने पानी में से आपने और गाड़ी निकाली आगे निकाल ली। तो आपको ऐसा नहीं लगा कहीं बैटरी खराब हो जाएगी ये हो जाएगा?
बैटरी तो इसकी सील पैक होती है वैसे, कोई अच्छा, सील पैक होती है। अच्छा एक वैसे भी कोई दिक्कत आती है तो इसकी 8 साल की तो वारंटी है, वैसे भी कोई दिक्कत आए तो 8 साल की वारंटी है। अच्छा आपको ये चीज दिमाग में नहीं है यार बैटरी खराब हो जाए कभी, तो 7-8 लाख की शायद बैटरी की कॉस्ट है इसकी कहीं, तो जैसे 7-8 लाख है बैटरी की कॉस्ट तो है इसकी, लेकिन उसमें उतने में मैं इसकी कवर कर लूंगा ना। अच्छा कवर कर लोगे आप। अच्छा एक और जैसे हमारी बाइक्स आते हैं इलेक्ट्रिकल स्कूटी वगैरह आती है उसके अंदर पावर बहुत कम होती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार गाड़ियों में भी बहुत कम पावर होती है, तो आपको ऐसा मन में नहीं लगा या फिर कैसी पावर पिकअप वगैरह कैसा है इसका? पिकअप वगैरह तो बहुत शानदार है, इसके टक्कर की कोई डीजल पेट्रोल की गाड़ी है भी नहीं। अच्छा जैसे अपने ड्रैग रेस करवाई ना तो यही आगे निकलेगी। इसके अंदर होता है क्या इलेक्ट्रिकल के अंदर की तुरंत जो है पूरा टॉर्क वो है इनिशियल दे देता है उसमें, तो गियर शिफ्ट करते करते उसमें गियर शिफ्ट करो या जो भी है एक्सीलेटर दबाओ उसके बाद में फिर वो पेट्रोल जो भी है जहाँ पे नोजलों में पहुंचेगा उसके बाद में वो प्रोसेस लेती है, ये सीधी करंट से जैसे मोटर को करंट दिया और उसके बाद में काम करेगी। तो इसकी कोई सर्विस वगैरह करवाई है आपने अभी तक? सर्विस मैंने इसका रनिंग चेकअप करवाया था 2000 में, 2000 किलोमीटर पे है। 2000 पे ठीक था, कोई एक्सपीरियंस सही था? एक्सपीरियंस ठीक था उसका, उसमें वॉशिंग करके दे दी और जो भी थी इसकी चेकिंग वगैरह करके मेरे को। तो अभी प्राइम भी आई हुई है नेक्सॉन ईवी प्राइम जैसे अपग्रेड वगैरह है, वो चेक किया आपने, देखा है आपने या अभी अपग्रेड? प्राइम मेरे लेने के जस्ट बाद में हुई थी ये प्राइम, जैसे मैंने ये परचेज की तो उसके 10-15 दिन बाद में उन्होंने लॉन्च की थी। लॉन्च की है प्राइम में क्या है वो सॉफ्टवेयर है इसका क्रूज कंट्रोल का, वो सॉफ्टवेयर डाल के दे दिया। अच्छा। उससे अपने जैसे को अपने जैसे 40 पे चल रही है तो उसमें अपने स्पीड कंट्रोल कर सकती हूँ। तो वो अभी तक आपने अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं करवाया ना? अपडेट नहीं करवाया सर मैंने। तो उसका कोई बेनिफिट वगैरह लगता है? बेनिफिट है लॉन्ग ट्रिप पे जाए या उसका बेनिफिट अच्छा है, जैसे ये अपने रफ टॉप में चलाएं तो ये 200 के करीब रेंज देती है। अच्छा। और अगर वो प्राइम अपडेट करवा लें तो उसे 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेनिफिशियल है तो उसको अपग्रेड करा के आपको जरूर दिखाएंगे एक बार। तो इसके अंदर अभी तक कोई काम वगैरह तो मॉडिफिकेशन वगैरह तो करवाया नहीं आपने? नहीं नहीं मैंने ये कंपनी से सब कुछ उन्होंने डाल के दिया था मैंने। अच्छा जैसे। तो अच्छा कहीं आपको वो नहीं लगता सनरूफ वाला कमी? सनरूफ की कमी जैसे अपने टेम्परेचर रहता है 40 के अप्रोक्सली तो मेरे को नहीं लगता वो काम। अच्छा नहीं जैसे आजकल क्या है काम का नहीं है फिर भी ट्रेंडिंग लोगों को लगता है कि यार सनरूफ ट्रेंडिंग में है, लेकिन लाख रुपए एक्स्ट्रा देने से क्या बेनिफिट है फिर? अच्छा मेरे को नहीं लगता, मेरे यूज का हो। और एसी का आउटपुट आपको कैसा लगा? शानदार है। एसी के अंदर इसकी रेंज वगैरह नहीं गिरती क्या? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसमें तो नहीं, जैसे मैंने कई जगह जैसे बगैर एसी चलाएं तो ये 300 आराम से चल जाती है, और एसी में? एसी में ये 250 कवर करेगी 50 किलोमीटर का। हाँ ठीक है कोई ज्यादा नहीं है। और हेडलाइट वगैरह यूनिट का राइट नाइट में आउटपुट वगैरह कैसा है इसका? शानदार है, अच्छा सही है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसमें वो लाइटिंग का थोड़ा सा कम है, वो टाटा की गाड़ियों में शिकायत रहती है, थोड़ा कम दिखाई देता है आगे, जैसे कोई बड़ी गाड़ी है जैसे क्रेटा वगैरह गाड़ी का हो ना तो वहाँ पे अगर वो सामने से आ रही हो तो थोड़ा इसका डीपर देना पड़ता है उसको, डीपर देना पड़ता है। अच्छा स्पेस वगैरह कंफर्टेबल वगैरह सही है? स्पेस में तो ये शानदार है, बता ही दिया, कोई कमी आपको स्पेस वगैरह कोई नहीं लगता? पॉजिटिव गाड़ी के क्या क्या लगते हैं आपको इसके? इसका वैसे तो कोई नहीं है, जैसे छोटी मोटी होती है जैसे इसका ये है ना यहाँ से जैसे अपने कोई मोड में या जैसे मोड़ते हैं इसको घुमाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये कवर नहीं करता आगे। अच्छा ये वैसे सेफ्टी के लिए बेस्ट दिया हुआ है। हाँ ये टाटा की नेक्सॉन में बहुत शिकायत रही है आज तक टाटा वालों ने इसका, पता नहीं। और कोई लेग वगैरह आपको फील होता है जैसे इलेक्ट्रिकल है ऑटोमेटिक गाड़ी है आपकी? ऑटोमेटिक अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ जैसे आपने पहले आपके पास मैनुअल थी आप बता रहे थे अल्टो वगैरह थी, तो उससे आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक पे आए तो कैसा दिक्कत कोई चलाने में? मेरे को बढ़िया लगा उससे मैनुअल से इस ऑटोमेटिक आने में। अब आगे जो भी जब भी मैं गाड़ी परचेज करूंगा ऑटोमेटिक परचेज करोगे? हाँ। और जैसे कुछ
कमेंट्स वगैरह आते हैं कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को मिट्टी वगैरह में, जैसे जहाँ पे बोलेरो वगैरह निकलती है वहाँ पे क्या चल पाएगी, इसके अंदर इतनी पावर वगैरह नहीं चलेगी। मैंने ये जैसे मेरे फील्ड है जो खेत है वहाँ पे लेके गया था मैं इसको, कि नहीं जैसे बोलेरो वगैरह कहीं पे भी मिट्टी में चढ़ा देते हैं कि जहाँ पे चलो 4x4 तो छोड़ो, बोलेरो वगैरह या फिर नॉर्मल गाड़ियाँ वहाँ पे जाती है, जहाँ पे बोलेरो जाएगी उससे पहले ये जाएगी गाड़ी। अच्छा इतना है ना। और बूट स्पेस कितना सफिशिएंट है आपके लिए? शानदार है बूट स्पेस। और कुछ आप बताना चाहोगे इसके अंदर, स्टेबिलिटी वगैरह, बॉडी रोल वगैरह कैसा है इसका गाड़ी का? नहीं मेरे वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे को इसका बेस्ट लगा। अच्छा ड्राइविंग में मजा आता है इसको चलाने में? ड्राइविंग में तो जैसे इसको क्रूज कर देने के बाद में तो अब जैसे ये आराम से चलती है। तो स्पेस वगैरह आपने बता दिया, सब कुछ ओके है। तो अगर आज के टाइम में किसी के पास 16-17 लाख रुपए हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? मैं तो ये कहूँगा इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है, उसको ये लेनी चाहिए। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम देख लो आप, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 100 रुपए के अप्रोक्स है 16-17 की गाड़ी ले, तो उसको इसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यही था आज का एक ओनरशिप रिव्यू नितेश भाई के द्वारा। धन्यवाद भाई साहब आपने ये इतना टाइम दिया। और एक बार गाड़ी का एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इंटीरियर वगैरह कुछ ऐसा है, काफ़ी शानदार लगी है। और एक चीज़ और इसकी मुझे जो खास लगी वो है इस गाड़ी के अंदर साइलेंस, बिल्कुल भी नॉइस वगैरह नहीं है। एसी का आउटपुट, इसका एसी का ही साउंड है और कोई भी साउंड नहीं है। तो काफी दो पे चल रही है ये देखो। और एसी का आउटपुट बहुत शानदार है इसका, पीछे भी रियर भी एसी। जैसे इसमें एक फीचर और है वो भी बढ़िया लगा, जैसे जेड कनेक्ट ऐप देती है ये साथ में 1 साल के लिए फ्री। तो उसमें जैसे अपने को जैसे गाड़ी धूप में खड़ी है तो उससे अपने जैसे अपने कर लिया कहीं पे जाना है तो जैसे उसमें 10 मिनट पहले अपने एसी ऑन कर देंगे तो उसमें ये कूलिंग अपने आप ठंडी कर देगी गाड़ी को। अच्छा ये भी फीचर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज। एक चीज और याद है, धूप से अगर कंटिन्यू हम जैसे अभी धूप वगैरह है बाहर खड़ी कर दें तो कोई दिक्कत है गाड़ी में? नहीं नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मैंने कहीं से सुना था कि जैसे गाड़ी को धूप में खड़ी कर दें और कर दें तो स्टार्ट करते टाइम कोई दिक्कत करती है इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, तो मुझे ऐसा लगा नहीं। और बाकी नितेश भाई साहब वो तो जैसे इसकी वो बोलते हैं कि एचआईवी बैटरी में कुछ वो हीट हो जाती है, उस वजह से वो सिंबल सा दिखाने लग जाते हैं, लेकिन मेरे तो अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है ना। बाकी ओवरऑल गुड है, 1.5 महीना हो गया इनको चलाते हुए, अच्छा है, रिव्यू रहा। कोई अगर फ्यूचर में आपसे कोई कमेंट वगैरह हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। जरूर जरूर भाई साहब, चैनल पे हम अपडेट देते रहेंगे, प्राइम वगैरह आएगा उनका भी अपडेट दे देंगे, उसके बारे में क्या रिव्यू है, कैसे उनका फीडबैक वगैरह है, वो भी आपको जो है जल्दी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।